चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप जानते हैं मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता। आप मुझे वह तत्व बताएं जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, अर्थात कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख ना आवे, नित्य सुख शांति बनी रहे और मृत्यु ना आवे, अमृतत्व की प्राप्ति हो। इसलिए हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण
आपके चरणों में अर्पण, आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। अर्जुन, कर्म विकर्म अकर्म ये तीन चीजें, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, कर्म को भी जानना चाहिए विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्मणश्च बोधव्यम अकर्म को भी जानना चाहिए। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है माने कठिन है। बड़े बड़े पंडित लोग भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म क्या है, तुम सावधान मन से सुनो और सुन करके उसको हृदय में बुद्धि में ग्रहण करो, श्रवण करके मनन करो, मनन करके निधिध्यासन करो, तब ये ज्ञान पक्का हो जाएगा। श्रवणं तु गुरो पूर्वं मननं तदनंतरं निधिध्यासन मित्तेतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणं। ये पूर्ण बोध का लक्षण है, पहले गुरु से सुने और फिर मनन करें और फिर निधिध्यासन करें, तब पक्का ज्ञान होता है। एक बार सुने तो सौ बार मनन करे उसको। तो सतेन ज्ञानम आत आयाति, सौ बार मनन करने से वो ज्ञान आ जाता है जो गुरु देता है। सहस्रेण च तिष्ठति, हजार बार मनन करे तो हृदय में ठहर जाता है वो ज्ञान। लक्ष्य बारम जपेत्यस्तु प्रेत्य चेह चतिष्ठति, और लाख बार यदि मनन करे तो किसी कारण से यदि दूसरा जन्म हो जाए तो इस जन्म में तो क्या दूसरे जन्म में भी वो ज्ञान नहीं भूलता है। ऐसे मन श्रवण मनन निधिध्यासन की महिमा। इसलिए अर्जुन तुम एक बार गुरु से मुझसे सुनो। भगवान तो कृष्ण जगत के गुरु हैं, ईश्वर हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बड़ा गुरु संसार में कोई नहीं, क्योंकि वो साक्षात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार। तो उनकी बात को एक बार सुनना चाहिए, सौ बार मनन करना चाहिए, हजार बार मनन करना चाहिए, फिर लाख बार मनन करने निधिध्यासन करना चाहिए, तो फिर वो ज्ञान कभी नहीं भूलेगा। बारंबार आवृत्ति करने से ज्ञान पक्का हो जाता है। आवृत्ति असकृत उपदेशात्, बारंबार सुने हुए ज्ञान की आवृत्ति करें। एक बार सुने तो हजारों बार उसका मनन करें। तो अर्जुन तुम सावधान मन से सुनो, श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन करो। तो सुनो अर्जुन, कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म क्या है। वेद विहित कर्म को कर्म कहते हैं, उसी को धर्म भी कहते हैं।
जो कर्म है वही धर्म है। तो जो वेद ने माने ईश्वर की वाणी वेद है, तो वो ईश्वर की ही आज्ञा है, ईश्वर का ही उपदेश है, क्योंकि ईश्वर के उपदेश को, वेद को, शास्त्र को, गीता भागवत को, ब्रह्मा जी को पहले भगवान ने सुनाया ये ज्ञान, फिर व्यास जी ने उसको लिख दिया। तो ये गीता महाभारत के अंतर्गत है, भीष्म पर्व में गीता आती है। कौरव पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ उसी समय भगवान ने ये गीता सुनाया था महाभारत के मध्य में। तो वो व्यास जी ने ही ये गीता को लिखा है, और जिस वो देखते भी जाते थे, उनकी दिव्य दृष्टि थी, देखते भी जाते थे और छंदबद्ध भी बनाते जाते थे महाभारत को। 100,000 श्लोक हैं। तो व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना किया कि देखो, मैं देखता हूँ महाभारत को और सुनता भी हूँ और फिर ये श्लोक बनाता हूँ, और वो धारा प्रवाह जो भगवान बोल रहे हैं उनकी वाणी रुकती तो है नहीं, तो आप ये लेखन कार्य में मुझे सहायता दो। तो गणेश जी ने स्वीकार किया। तो व्यास जी छंद बनाते जाते थे, श्लोक बनाते जाते थे, 100,000 श्लोक हैं महाभारत में। लक्ष्यम वेदास चत्वारो लक्ष्यम एकम तो भारत हो, 100,000 मंत्र चारों वेदों में हैं, वही चारों वेदों का ही अनुवाद व्यास जी ने 100,000 श्लोक वाली महाभारत बनाई। तो जो वेदों में है वही महाभारत में है। तो गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया व्यास जी के। तो व्यास जी देख करके श्लोक बनाते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। इस प्रकार से ये महाभारत वेदों का अनुवाद ही है, व्यास जी का बनाया हुआ है और गणेश जी का लिखा हुआ है। और गणेश जी भी महान ज्ञानी ईश्वर के अवतार वो भी हैं, और व्यास जी भी विष्णु के अवतार हैं, और गणेश जी साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। इसलिए ये ईश्वर की वाणी है। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, तो वो भगवान बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, तुम सावधान मन से श्रवण करो। तो कर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं जो वेद विहित कर्म हैं उनको कर्म कहा जाता है, उन्हीं को धर्म कहा जाता है। भगवान ने सबके लिए विधान किया है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को क्या करना चाहिए, ये भगवान ने गीता में सब बताया है। पति का धर्म बताया है, पत्नी का धर्म बताया है, पिता का धर्म बताया है, पुत्र का धर्म बताया है, गुरु का धर्म बताया है और शिष्य का भी धर्म बताया है, राजा का धर्म बताया है, प्रजा का धर्म बताया है।
तो भगवान ने जो विधान किया है सबके लिए अर्जुन, उसी को कर्म कहा जाता है। और जिसका निषेध किया है भगवान ने वेदों में, उसको विकर्म कहते हैं। जो वेद विरुद्ध कर्म हैं उनको विकर्म कहते हैं, और जो वेद विहित कर्म हैं उनको ही कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। और जो निषिद्ध कर्म हैं वो विकर्म कहे जाते हैं और अधर्म भी कहे जाते हैं। तो सबके कर्म भगवान ने बताए, तो उनका पालन करना चाहिए। तो क्या बताए हैं भगवान ने, सबका धर्म बताया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता देवता हैं भगवान कहते हैं, माता पिता की सेवा देवता समझ के करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से पुत्र सदा सुखी रहता है। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों का भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम मनुष्य का अवतार लेकर के यही शिक्षा देते हैं। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयस मांग करें पुर काजा, देख चरित हर्षित मन राजा। राम प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता की आज्ञा मान करके सब काम करते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारितास्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो माता पिता को, अपने से बड़ों को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको चार चीजें मिल जाती हैं उनके आशीर्वाद से, आयुर, विद्या, यश और बल। ये माता पिता के आशीर्वाद से मिलता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद माता पिता और गुरु का यही होता है, आयुष्मान भव, तुम्हारी बड़ी उम्र हो, चिरंजीवी हो और विद्वान हो, ये आशीर्वाद मिलता है। और यशस्वी संसार में तुम्हारी यश कीर्ति का विस्तार हो, और तुम बलवान हो, तन से भी मन से भी बुद्धि का भी बल हो, माने बुद्धि का बल माने ज्ञानवान, और मनोबल माने भक्ति का बल, और तन का बल माने शरीर का बल। शरीर बलवान रहेगा हमेशा निरोग रहेगा, बलवान शरीर को कोई रोग नहीं आते सज्जनों। तो ये माता पिता और गुरु का ये आशीर्वाद होता है। इस प्रकार से माता पिता गुरु की सेवा करना, ये भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो और पति तो पुत्र का तो ये धर्म हुआ, और माता पिता का धर्म है कि सब प्रकार से पुत्र की रक्षा करें, उनको पढ़ावें लिखावें विद्वान बनावें। ये माता पिता का धर्म होता है, क्योंकि पहले गुरु तो माता ही होती है पुत्र की, और दूसरा गुरु पिता होता है, उसके बाद यही ज्ञान देते हैं पहले, और उसके बाद में फिर दूसरे गुरु होते हैं। मदालसा नाम की एक माता हो गई है, वो सरस्वती के अवतार थी, उसका नाम मदालसा था। तो ये पुत्र की गुरु बनी है पहले ही से, जन्म से ही, और ये पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था मदालसा माता ने कि
क्या प्रतिज्ञा किया था? प्रण कीन दृढ़ मंदाल सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे नहीं जन्म हो फिर दूसरा, निज पुत्र के हितकारिणी हो मात तो ऐसी ही हो। ये प्रतिज्ञा किया था कि जो पुत्र मेरे गर्भ में आएगा निश्चय ही संसार सागर से उसको मुक्त कर दूंगी, उसको किसी प्रकार का कोई भी कभी भी कोई दुख नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी और उसका जन्म मरण से सदा के लिए छुटा दूंगी। ये प्रतिज्ञा पहले ही कर लिया था कुमारी अवस्था में और वही किया जब उसका पहला पुत्र पैदा हुआ और कहाँ कहाँ रोने लगा कह करके, तो उसी समय माता मदालसा उपदेश देती है पुत्र को, कहती है हे पुत्र शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम मंदाल सा वाक्य मुआच पुत्रम। हे पुत्र तो शुद्ध है, शुद्ध है, तेरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है ही नहीं, माने एकदम निर्मल है। और बुद्ध उसी माने तुम ज्ञान स्वरूप है, बोध नाम ज्ञान का है। और निरंजनोसी अंजन नाम माया का है। पुत्र तुम माया से परे है, निरंजन है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, और संसार की माया से परिवर्जित है माने संसार की माया तुझे छू भी नहीं सकती। संसार स्वप्नम, ये संसार स्वप्ना है हे पुत्र। तेज मोह निद्रा, ये संसार सत्य है, ये मोह निद्रा है। इस मोह निद्रा को तुम त्याग करके जागो अपने स्वरूप में, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में जागो माने जानो तुम देह नहीं हो, इंद्री नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो। इस प्रकार से अपने आप को पहचानो सज्जन। इस प्रकार माता मदालसा ने अपने पुत्र को ज्ञान दे करके और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा दिया। कहते हैं माता हो तो ऐसी हो, क्योंकि माता ही पहली गुरु है। शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय, कोरा कागज के समान अंतःकरण बालक का होता है। उस समय माता जो कुछ उपदेश दे देती है वो छप जाता है पुत्र के हृदय में। ध्रुव को माता ने जो उपदेश दे दिया वो हृदय में भक्ति का छप गया और वो भगवान विष्णु के पाने के लिए वन में चला गया और विष्णु को प्राप्त करके ही छोड़ा। तो छोटे बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह तो सज्जन होता नहीं है, शुद्ध हृदय होता है कोरे कागज के समान। जो कुछ भी माता बोल देती है वो हृदय में छपता चला जाता है। तो माता का यही कर्तव्य है, पिता का भी यही कर्तव्य है, गुरु का भी यही कर्तव्य है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवता है, इनकी देवता समझ के सेवा करना चाहिए। और माता पिता गुरु भी अपने को देव समझ करके दिव्य ज्ञान देना चाहिए अपने पुत्रों को। दिव्य ज्ञान शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान,
ये ज्ञान देना चाहिए। तो सज्जनों, ये माता पिता का धर्म है और पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा मानना। इसी प्रकार से पति का धर्म है पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करना, उसकी तन की, मन की, बुद्धि की सब प्रकार से रक्षा करना, सब समाधान करना। क्योंकि पत्नी अपनी माता पिता घर परिवार को छोड़ के आई है, अकेले अनजान घर में आई, इसका पति के सिवाय और तो कोई है नहीं। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, सब छोड़, सखी सहेलियों का प्यार सब छोड़ के आई है बिचारी अकेली, अनजान घर में आई है। तो सास ससुर का काम ये है कि उसको माता पिता का प्यार दे वे इस पुत्री को जो दूसरे घर से आई, और पति का काम यही कि सब प्रकार से उसकी तन की, मन की, बुद्धि की रक्षा करे। पाति रक्षति इति पति, जो सब प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करता है उसी को पति कहते हैं। और पत्नी का धर्म क्या है कि पति को देवता समझ करके उसकी सेवा करे, तन से, मन से, कर्म से। तो ये सज्जनों पत्नी का धर्म है परमेश्वर समझ के पति देवो भव। तो ये दोनों पति का धर्म पत्नी का धर्म वेदों में ऐसा बताया है। इसी प्रकार से सज्जनों राजा का धर्म प्रजा का धर्म बताया। राजा का धर्म ये है कि प्रजा को पुत्र के समान पालन करे, जैसे अपना पुत्र है तैसे सारी प्रजा भी अपने ही पुत्र है। राजा का यही धर्म है पुत्रवत प्रजा का पालन करे। और प्रजा का ये धर्म है कि राजा की आज्ञा सब प्रकार से माने, पिता के समान राजा को जाने। ये बड़ा परिवार है राजा का, सारी प्रजा उसका परिवार है, सब प्रजा का ये पिता है। इस प्रकार से राजा का धर्म और प्रजा का धर्म सब वेदों में बताया। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी धर्म गीता में बताया, भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमभ्यम। अर्जुन, चार वर्ण की सृष्टि मैंने किया, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण सत्गुण रजोगुण तमोगुण, और इन गुणों के अनुसार जो उनके कर्म हैं उनके अनुसार ही मैंने ये चार वर्ण बनाए। इसलिए मैं चारों वर्णों का पिता हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता मह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता मैं हूँ। पिता अहम अस्य जगता, अस्य माने इस जगत का पिता अहम, और माता, भगवान कहते हैं अर्जुन माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ। और धाता, धारणा, धाता जो धारण करे संसार को उसको धाता कहते हैं। तो भगवान कहते हैं धाता भी मैं ही हूँ, जगत को मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही अपने में धारण भी करता हूँ, पालन पोषण भी जगत का मैं ही करता हूँ। पितामह, और पितामह भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा पिता और कोई नहीं, इसलिए पितामह भी मैं हूँ। और मेरे पाने का साधन मेरा सर्वोत्तम जो नाम है ओंकार, वेद्यम पवित्रम ओंकार,
वो ओंकार भी मैं ही हूँ। ऋग साम यजुर्वेद, ओंकार का विस्तार वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर वेद, ये भी मैं ही हूँ, ये मेरे पाने के साधन हैं। मेरा स्वरूप मैंने वेदों में बताया। ये भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैं ही जगत का पिता हूँ, तो ये सारा जगत मेरा ही पुत्र हुआ कि ना हुआ। और इन पुत्रों को ज्ञान देने के लिए ही मैंने इस मनुष्य रूप में अवतार लिया है, मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए। और सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य है, मनुष्य श्रेष्ठ संसार में कोई भी नहीं है, न देवता है, न दैत्य है, न कोई कोई भी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान चार वर्ण बनाए, तो चार वर्णों के फिर धर्म बताया, ये तुम चार भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब तुम अपना अपना धर्म पालन करना। तो सब ब्राह्मण का धर्म बताया, शमो दमस तपह शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो दमः, शम माने मन को विषयों से रोकना, सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करना, इसको सम कहते हैं। और दम इंद्रियों को भी विषयों से रोकना, इसको दम कहते हैं। शमो दमा तपा, और तप सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सुख दुख, इनको सबको सहन करना, सहनम सर्व दुखानाम, सब दुखों को सहन करना, व्रत उपवास करना, तपस्या करना। समो दमः तपः, शौचम, और शौच नाम शुद्धि का है, बाहर भीतर की शुद्धि। अधिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। अधिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्तेन शुद्ध्यति, और सत्य बोलने से, निश्चल निष्कपट व्यवहार करने से मन की शुद्धि होती। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या वेद शास्त्र पुराण आदि इनका जो ज्ञान है, ये विद्या से, और तप व्रत उपवास आदि करने से, और तो मन की विद्या तो जीवात्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, अब बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। बुद्धि में अशुद्धि क्या है? अज्ञान ही अशुद्धि है, तो अज्ञान की शुद्धि ज्ञान से होती है। इस प्रकार से शुद्धि बताई गई है। तो शमो दमः तपः शौचम क्षांति राजव में उचम, और क्षांति कहते हैं क्षमा को। ये ब्राह्मण का धर्म है, क्षमा कर देना। कोई अपराध हो गया हो दूसरे से, अपने प्रति कोई अपमान कर दिया हो किसी ने, ब्राह्मण का कोई अपशब्द बोल दिया हो, तो ब्राह्मण को चाहिए उसको क्षमा कर दे और उसको समझावे। समो दमा तपह शौचम क्षांति राजव में उचम, और आर्जव माने सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, निश्चल निष्कपट भाव रखना, इसको आर्जव कहते।
तो समो दमः तपः शौचम शांतिरार्जव मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुख। ज्ञान माने वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत इनका सबका सब में ज्ञान होना, और विज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान होना, और ब्रह्म ज्ञान में स्थिति होना ब्राह्मण की। ज्ञानम वेद शास्त्रों का ज्ञान और उनके द्वारा प्राप्त होने वाला ब्रह्म ज्ञान, और आस्तिक्यम और ईश्वर में और ईश्वर की वाणी मेद में पूर्ण विश्वास श्रद्धा, ध्रुव सत्य है ईश्वर और ईश्वर की वाणी वेद। इस प्रकार से ये ब्राह्मण का धर्म भगवान ने बताया है, वेद पढ़ो और अपने छोटे भाइयों को भी वेद पढ़ाओ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को। स्वयं आचरण करो धर्म कर्म का और दूसरों को भी आचरण करने की शिक्षा दो, अपने अपने धर्म कर्म में सब लगे रहें, और भाइयों के समान प्रेम करो अपने छोटे भाइयों से। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये छोटे भाई, ब्राह्मण बड़ा भाई है, अग्रज इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण के धर्म बताया है, और क्षत्रिय का धर्म बताया है प्रजा पालन करना, प्रजा को पुत्र के समान पालन करें, ये क्षत्रिय का धर्म बताया है। शौर्यम धैर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो शूरता वीरता, तेज एक प्रभाव, शौर्यम तेजो धृति धैर्य, बड़े से बड़े दुख में न घबड़ाना। सुख हर सहि नहि दुख बिलखाही दोसम धीर धरै मन माही। सुख में हर्षित नहीं होता राजा और दुख में घबराता नहीं कभी, तो धैर्यवान होना। तो शौर्यम तेजो धृति और दाक्ष्यम और युद्ध नीति राजनीति धर्म नीति इसमें कुशलता, दाक्ष्यम चतुराई, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। प्रजा को कोई दुख देता हो उसको दुष्ट को दंड देना, समझाना पहले तो प्रेम से, और जो समझाने से भी न माने और प्रजा को दुख देवे तो उसको दंड देना भी अपना काम है। जैसे पिता कि चार भाई होंगे, कोई बड़ा भाई छोटे भाइयों को मारता हो पीटता हो तो पिता पहले समझाता है कि बेटा ये छोटे भाई है, इनको तुमको मारना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और इतने पर भी न माने तो पिता फिर वो बड़े लड़के को दंड भी देता है, पर प्यार रहता है भीतर से। तो राजा की सारी प्रजा पुत्र के समान है, यदि कोई प्रजा का आदमी अपने छोटे भाइयों को कमजोरों को दुख देवे तो उसको समझाओ बुझा के ठीक करे, नहीं माने तो थोड़ा दंड भी देवे, ये क्षत्रिय का काम है। प्रजा की पालन करना है उसको। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, और फिर युद्ध से पलायन नहीं करना माने भागना नहीं, चाहे प्राण चले जाए तो युद्ध से पीठ नहीं दिखाना चाहिए। युद्धे चा दानम, और मुक्त हस्त से गरीब भाई बहनों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना मुक्त हस्त से, सबको सुखी बनाना, कोई गरीब न रहने पावे, कोई दुखी न रहने पावे,
कोई भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा न रहने पावे, क्योंकि ये तो प्रजा उसकी पुत्र के समान है। दानम ईश्वर भाव से, और ईश्वर भाव माने राजा भाव, कि भाई मैं राजा हूँ तो ये सारी प्रजा है मेरी पुत्र के समान है। जैसे हमारे माता पिता भ्राता भगनी पुत्र परिवार, ये हमारा, ये हम इस गृहस्थ लोग भी छोटे राजा ही के समान है, इनका छोटा ये परिवार। अब यही जब राजा बनता है तो इसका बड़ा परिवार हो गया सारा संसार, सारी प्रजा, तो सारे परिवार की रक्षा करना, ये बड़ी गृहस्थी। छात्रम कर्म स्वभाव, ये क्षत्रिय का कर्म है अर्जुन। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करना माने खूब अन्न पैदा करना, खेती किसानी करना, खूब अन्न पैदा करना, और गौरक्ष गऊं का पालन पोषण करना, गऊं की रक्षा करना, और वाणिज्य माने व्यापार करना। ये वैश्य का धर्म बताया। परचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और अपने तीन बड़े भाइयों की सेवा करना, जो काम पड़े उनकी सबकी सेवा करना, ये सबसे छोटा भाई शूद्र है उसका कर्म बताया। तो सबके काम अलग अलग बता दिया भगवान ने। ब्राह्मण को सब जप तप, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, और क्षत्रिय को बता दिया कि तुम प्रजा का पालन करो, राजा का धर्म बता दिया। ये खाने पीने को तो चाहिए ना सबको, ये वैश्य के लिए कहा कि तुम खाने पीने का इंतजाम तुम करो, खेती किसानी करके अन्न पैदा करो, गेहूं पालन करके दूध दही मक्खन मलाई का इंतजाम करो, और व्यापार करो जिसमें सबको, सब भाइयों को सब चीज़ें मिल जाए। छोटे भाई शूद्र को कहा तुम अपने तीन भाइयों की सेवा करती रहो, जिसको जो जरूरत पड़े। तो ये चारों वर्णों के धर्म बताया भगवान ने। फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चार आश्रम बताए हैं भगवान ने, उनके धर्म बताया। और फिर सामान्य धर्म और विशेष धर्म भी बताया। तो ये भगवान गीता में जो बता रहे हैं ये सब कर्म हैं, इनका पालन करना चाहिए। भगवान गुरु भी हैं, राजा भी हैं, माता पिता भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं इसलिए जगत के गुरु, और जगत को उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं इसलिए माता पिता भी हैं, और सारी प्रजा को अपने रक्षा करते हैं इसलिए राजा भी हैं। तो हमारे राजा भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, और हमारे गुरु भी हैं। तो सब प्रकार से हमको भगवान की आज्ञा मानना ही कर्तव्य। आगे का प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो।